इंद्रजीत कौर अपने आप में एक सुनहरा नाम उभर कर सामने आ रहा है। आपको बता दें कि नील इंद्रजीत कौर ने विदेश में किस तरह से ग्रीनरी को सबसे अच्छा जागरूक तौर पर किस तरह से दिखाया जा सके उसको लेकर काम किया है, जिसको लेकर उनको उस चीज़ को लेकर नवाजा भी गया है। आपको बता दें कि इंग्लैंड के बाद अब वो भारत में उनको एक निशा के द्वारा ही एक आगे जितने भी जो स्कूल हैं गवर्नमेंट स्कूल हैं उनको एक ग्रीन स्कूल किस तरह से बनाया जा सके उसको लेकर के जागरूक अभियान शुरू कर दिया है। इसी को लेकर के पूरे हिंदुस्तान में जितने भी जो सरकारी स्कूल हैं हमारे उनको किस तरह से ग्रीन स्कूल में तब्दील किया जा सके उसको लेकर के जो कार्य प्रणाली है वो अधिकारियों और अधीक्षकों के साथ शुरू कर दी गई है, जिसके बाद आज हुई प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि आने वाले कुछ समय में जितने भी जो स्कूल हैं और जो बच्चे हैं उनको भी इसके साथ जोड़कर इसको जागरूक अभियान के तौर पर चलाया जाएगा और किस तरह से बाकी स्कूल को भी एक ग्रीनरी स्कूल बनाया जा सके, एक अच्छी फील आ सके स्कूल में जाते वक्त बच्चों को भी और एक सुबह टीचर्स भी आते हैं, तो उसको लेकर के एक प्रेस वार्ता करते हुए इस चीज को आज बताया गया। बहुत ही ग्रेटिफाइंग एक्सपीरियंस रहा और निशा ने मेरे को वहाँ अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा और मैं एज अ रैप ऑफ निशा वहाँ उस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुई। तो वहाँ पे हमने बहुत सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस उनकी सीखी और अपना जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ग्रीनरी का उनको बताया। तो वो क्योंकि वो ज़्यादातर फ्रोज़न फूड खाते हैं, फ्रोज़न चीज़ें, उनके बच्चों को उतनी जागरूकता नहीं है जो हमारे बच्चों को है। तो हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं फार्म टू यूनिफॉर्म, फार्म टू फोक और हमारे जो दिया मेकिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो थैली वाला हमारा कॉन्सेप्ट है कि से नो टू पॉलिथीन एंड यूज़ अ क्लॉथ बैग, जो हम यू नो ये क्लॉथ बैग्स में वहाँ जगह जगह दे के आई हूँ और ये मैसेज मैं दे के आई हूँ कि अगर पॉलिथीन नहीं यूज़ करना तो ये हमारी एक रेमेडी है कि इस छोटे सी थैली में एक बड़ा थैला है और ये थैला रीयूजेबल है और इसको हम जब भी हमें पॉलिथीन यूज़ करने की ज़रूरत है तो हम इसको यूज़ करें, इसको यूज़ करके धो के वापस ये ऐसे ही फोल्ड करके इस थैली के अंदर चला जाता है छोटी वाली, एंड हर बच्चा इसको कैरी करे। ये मैंने उधर बांटी और उनको बताया कि हमारे स्कूल में बन रही है। वो इतने इंट्रीग्ड हुए कि वो कहते कि हमने हिंदुस्तान आना है, आपके स्कूल को विजिट करना है और देखना है कि क्या कैसे हो रहा है। तो एक एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू होगा, बच्चे वहाँ से आएंगे, टीचर्स वहाँ से आएंगे और हमारे टीचर्स और बच्चे वहाँ जाएंगे। तो एक लोकल टू ग्लोबल जो एक जर्नी है वो निशा ने शुरू कर दी है। निशा ने सभी ग्रीन इनिशिएटिव लिया है कि सभी स्कूल इसमें पार्टिसिपेट करें और सभी बच्चों को ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में अवेयर करें और अपने स्कूल्स में ग्रीन प्रोग्राम चलाएं, क्योंकि ग्रीनरी एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बात है। इससे जो है आप सेव इलेक्ट्रिसिटी कर सकते हैं, सेव इलेक्ट्रिसिटी के लिए बच्चों को जो है तैयार कर सकते हैं ताकि वो घर घर में बिजली बचाएं। उसके बाद जल है तो कल है, ये नारा दिया जा रहा है, लेकिन जल को कल के लिए बचाना कैसे है, ये ग्रीन प्रोग्राम के थ्रू हम बच्चों को अवेयर कर रहे हैं कि कैसे जल के प्रति आपने जागरूक होना है, उसका मिनिमम यूज से जो है जल को सेव करना है, ये भी इस प्रोग्राम का हिस्सा है। अम्बाला से अंकुर, वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अनु सैनी, इंडिया हेड।